सो गाइस जो बिल आया है हमारा वो आया है ऑफ अराउंड। सो हेलो एवरीवन, दिस इज संगीत खन्ना एंड यू आर वाचिंग थ्रॉटल 98। सो आज की ये वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट द सर्विस कॉस्ट ऑफ माय हुंडई वेन्यू IMT टर्बो। ये मैंने कार ली थी 18 अक्टूबर 2020 को एंड इसको लगभग 10,000 किलोमीटर हो गए हैं। हमने 10,000 किलोमीटर चला रखी है गाड़ी। एंड अगर बात करी जाए और तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड सर्विस, बट फर्स्ट प्रॉपर सर्विस होने वाली है ये। तो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या हमें सर्विस कॉस्ट आई एंड क्या क्या उसमें हुआ चेंज, जैसे कि इस समय ऑयल चेंज होगा और फिल्टर्स वगैरह चेक होंगे और क्या क्या गाड़ी के अंदर चेक हुआ। एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनेगी, अंत तक आप जरूर देखिएगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस हियर वी आर एट द सर्विस सेंटर एंड दिस इज द कार। सो आ गई, गंदी वगैरह भी हो रही, सो वॉश वगैरह भी होगी। बाकी चल बढ़िया रही, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रही। बाकी सर्विस होने के बाद बताते हैं कि क्या सीन रहता है। जैसे एक छोटी सी टेस्ट राइड पे लेके जा रहे हैं देखने के लिए कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो आ नहीं रही। वैसे कोई प्रॉब्लम कोई भी फेस कर नहीं रहा हूँ मैं, चलाने में बहुत सही चल रही है गाड़ी। एंड अब बस इसके बाद फिर सर्विस वगैरह करेंगे, ऑयल वगैरह चेंज करेंगे और थोड़े बहुत फ्लूइड्स वगैरह चेंज करेंगे। साथ में अगर कोई फिल्टर वगैरह क्लीन करना होगा तो उसमें कर लेंगे। फिर मैं आपको एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट बताऊँगा कि प्रॉपर की किसमें क्या क्या पैसा लिया है। एंड पेट्रोल वेरियंट है तो पेट्रोल की सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है डीजल से। सो बस टेस्ट राइड चेक करना जा रहे हैं, थोड़ा सा एक चला के देख लेंगे कि यार गाड़ी चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। बस ये है कि जब से गाड़ी खरीदी है तब से शायद थोड़ा सा लेफ्ट में जा रही है गाड़ी, तो एक बार बस अलाइनमेंट चेक करना चाह रहे हैं। सो बस वही है। नाउ द कार इज गोइंग फॉर द सर्विस। जैसे कि आपको पता है कि नई कार जो हम लेते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट की हमें फ्री सर्विस आती है। तो फ्री सर्विस में लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है, बस यही उसके अंदर फ़ायदा रहता है। तो अगर लेबर कॉस्ट हटा लें तो लगभग 3,000 रुपये के आसपास की सर्विस कॉस्ट होने वाली है लेबर कॉस्ट हटाने के बाद, मतलब पार्ट्स वार्ट्स की, जो भी ऑयल वगैरह है उन सब की अगर मानी जाए। बाकी गाड़ी चेक होती है, जो आपको पता है नॉर्मल रूटीन चेकअप होता ही है गाड़ी का, देखते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स आती है तो उसको डायग्नोस करते हैं, बताते हैं, चेंज करना हो तो कुछ चेंज करते हैं, वरना ठीक है भाई गाड़ी सही चल रही है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बिल जब आएगा तो मैं आपको बिल दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट प्रॉपर GST वीएसटी सब कुछ मिला के फाइनल सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती है। सो गाइस जो बिल आया है हमारा वो आया है ऑफ अराउंड 3,389 रुपीज़। आपको मैं बताता हूँ एक एक चीज़ की क्या क्या इसमें चेंज किया गया है और क्या क्या सर्विस कॉस्ट जिस हिसाब से मिल गई है, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ बिल के साथ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज़ से, जो कि है 50 mm विंडशील्ड वॉशर। इसके लिए है लगभग 16.93 रुपये। सेकेंड चीज़ जो यहाँ यूज़ की गई है, डिजिटल वाटर यूज़ किया गया है, इसके लगे हैं 11.02 रुपीज़। थर्ड चीज़ जो यूज़ की गई है, दिस इज एयर फिल्टर फॉर द AC का एक एयर फिल्टर आता है, उसके लिए लगभग 289.84 रुपीज़। एंड इसके साथ जो एक जो इंजन ऑयल जो हमारा होता है उसका प्राइस है लगभग 1,083 रुपीज़। और यहाँ पर एयर फिल्टर चेंज हुआ है, जो एयर क्लीनर होता है अपना जो लगता है टर्बो चार्जर के पहले, उसका लिए है 233.05 रुपीज़। और यहाँ पर लास्ट में है इंजन ऑयल फिल्टर, ये आया है 75.42 रुपीज़ का। एंड अगर बात कर ली जाए जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो इसके अंदर और लगी है, वो है व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 580.50 तो लिए हैं यहाँ पर व्हील अलाइनमेंट के, और व्हील बैलेंसिंग की अगर बात कर जाए तो 558 रुपीज़ लिए हैं। तो ओवरऑल अगर इसमें GST ऐड कर ली जाए तो फाइनल जो पेमेंट बनता है वो बनता है अराउंड 3,389 रुपीज़। तो मैंने आपको दिखा दी कि कितनी सर्विस आई, सर्विस कॉस्ट आई है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर सर्विस। वैसे सेकंड सर्विस है, फर्स्ट सर्विस होती है 1,000 किलोमीटर्स पे, ये वाली सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर्स के बाद। एंड लगभग 5.5 महीने हो गए, मतलब लगभग अगर बात करी जाए तो 7 दिन बाद, एक हफ्ते बाद 6 महीने हो जाएंगे हम मेरी गाड़ी को। एंड ये कुछ सर्विस कॉस्ट है इस गाड़ी की जो मुझे पड़ी मेरी फर्स्ट प्रॉपर सर्विस पे, और एक बात करी जाए ओवरऑल तो सेकंड सर्विस पे। ये थी सर्विस कॉस्ट। एंड यहीं पर अगर आपकी डीजल कार होती है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं ज़्यादा आती सर्विस कॉस्ट, लगभग 1,000-1,500 रुपये ज़्यादा आती डेफिनेटली, बिकॉज उसमें जो है कॉस्ट होती चीज़ों की, पार्ट्स की, वो ज़्यादा होती है। सो गाइज दैट वॉज द सर्विस कॉस्ट ऑफ द माई हुंडई वेन्यू IMT SX टर्बो। सो ये फ्री सर्विस थी इसलिए इतना कम आया है, वरना अगर ये फ्री सर्विस नहीं होती, इसमें अगर लेबर चार्ज भी इंक्लूड करता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि यार 5,000-5,500 से कम तो कहाँ आता सर्विस कॉस्ट की अगर बात की जाए।
तो डेफिनेटली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ Hyundai कार तो कुछ ये तरीके की आपको सर्विस कॉस्ट पड़ेगी, फ्री सर्विस की सर्विस कॉस्ट मैंने आपको बताई इस वीडियो में। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, नीचे प्यारा सा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको तोड़ मोड़ फोड़ जोगड़ने करो बस जाना चाहिए, साथ में घंटे का आइकन दबाए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, घंटे का आइकन जरूर दबाइएगा, बिकॉज उससे क्या यार आपको क्या नोटिफिकेशन सारी आती रहेंगी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। इन साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, यहाँ लिख क्या होगा throttle_98 इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, बहुत ही बढ़िया वहाँ आपको कंटेंट मिलेगा, आप जाके ज़रूर देखिए वहाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो करिए, मिलते हैं आपसे एक ऐसी एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द डे, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय। Tell me.